अमीर माविया, अमीर माविया का नाम कौन नहीं जानता। उनकी बीवी अपने घर में किसी मेहमान का आना पसंद नहीं करती थी। बड़ा दिलचस्प वाकया है, सुनो, बड़ी हंसी आएगी आपको। उनकी बीवी पसंद नहीं करती थी कि कोई मेहमान मेरे घर में आए। और एक बार अमीर माविया के घर में मेहमान आ गया। अमीर माविया ने उसको बाहर का कमरा दे दिया, लोटा पानी सब अंदर रख दिया, चटाई वटाई। उनकी बीवी बोली, ये कितने दिन रहेंगे। शौहर ने कहा, तुम्हें कोई परेशानी। कहा, नहीं, पूछ रही हूँ कितने दिन रहेंगे। सुबह उठना पड़ेगा, नाश्ता वाश्ता बनाना पड़ेगा। कहा, देखो मेहमान का हक 3 दिन तक तो है, 3 दिन तक तो हम उसको रोक भी नहीं सकते, भगा भी नहीं सकते, 3 दिन तक तो वो वैसे भी रह सकता है। और 3 दिन में भी अगर उसका काम नहीं हुआ तो क्या मैं उसको भगा दूंगा, तो हमारा मेहमान है। उनकी बीवी शौहर से तो कुछ नहीं बोली, लेकिन दिल में ठान लिया कि आज रात में इसकी कोई कमी निकाल कर इसको घर से भगवाऊंगी आज। अब रात में कमी कैसी निकालेगी, जासूसी करेगी तभी ना कमी निकलेगी। अब उनकी बीवी ने देखा मेरे शौहर सो गए, तो उठी और कहती हैं, देखें कुछ लड़े झगड़े, ये बदतमीजी से कुछ बोल दे, कुछ तो करें, इसको भगाओ, ये 3 दिन से ज़्यादा रुक गया तो आफत धरी, मैं कहाँ खाना आना बनाती फिरूंगी सबके लिए। तो जैसी दरवाजे तक गई तो आवाज़ आने लगी, हैं, कान लगाया दरवाजे पर तो वो घर में जो मेहमान था वो बड़ा बेहुदा गाना गा रहा था, गंदा गाना। उस ज़माने में जो इश्किया गाने चलते थे वो गाना गा रहा है, आजकल जैसे गाने चलते हैं ना, उस ज़माने के गाने आज के भी ज़माने से बुरे थे। आज तो फिर भी तहजीब है, मेरी आँखें झुकी झुकी और क्या क्या चलता है आजकल, गंदे भी चलते हैं बेहुदा। वो बड़े गंदे गाना गा रहा था। अमीर माविया की बीवी ने सुना, कहती मिल गया पॉइंट, देखो कैसे गंदे गाने गा रहा है। भागी जल्दी से अपने शौहर को उठाया, उठो उठो उठो, उड़े हूँ, क्या है क्या, इधर आओ इधर आओ, क्या चलो, तो क्या चलो चलो, क्या है, कान लगाओ। भी चौंक गए, अरे ये तो बड़ा गंदा गाना गा रहा। अब उन्होंने चिल्लाया नहीं उसके ऊपर, मेहमान के ऊपर, अपनी बीवी को पकड़ा, इधर आ इधर आ, लेट इधर, चल बिस्तर पे लाए, लेट, उसको नहीं भगाएंगे। कहा नहीं, कितना गंदा गाना गा रहा है, तो तुम पर तुम्हारा क्या जा रहा है। अरे ऐसे मेहमान को घर में रखे, तुझे निकाल दूंगा, मेहमान को नहीं, मुझे क्यों निकालेंगे। ये बता कि जब मैंने उसका कमरा अलग कर दिया, उसका लोटा अलग कर दिया, उसका चटाई अलग कर दी, जब मैंने उसके रहने के लिए सारा सिस्टम अलग कर दिया, तो तूने उसके कमरे की जासूसी क्यों की, तुझे नहीं मालूम। कुरान कहता है, वला तजस्सु, किसी की जासूसी ना करो, सारी गलती तेरी है। मेरी कहां, चल लेट, ठीक है मैं लेट रही हूं लेकिन गलती मेरी कहां, तेरी गलती उसकी नहीं है। कहा नहीं, चल सो जा, सो गई। हाँ ठीक है, तो अब बीवी का मूड तो खराब है, शौहर डांट दे तो बीवी का मूड खराब हो जाता है। अब नींद भी नहीं आ रही है जल्दी, डांटा कैसे। और अमीर माविया सोच रहे हैं, ये सो जाए तब मैं समझाने जाऊं अपने मेहमान को कि देखो ये अच्छी बात नहीं है, इसके सामने समझाऊं तो मेहमान बेचारा समझेगा मेरी इंसल्ट कर रहे हैं ये, देखो तो अकेले में समझाऊं। अब ये देर में सो रही, बहरहाल इसको नींद आ गई देर में, और बार बार झांक के देख रहे हैं सोई कि नहीं सोई। जब जनरेटर चलने लगा नाक का, समझ गए कि अब गई, हो गया क्रियाक्रम, चली गई अब। तब उठे चुपके से और मेहमान के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, तो सोचते हैं कि एक बार और कान लगा के सुन लूं, अगर गाना गा रहा होगा तो दरवाज़ा खटखटाऊं फिर अंदर जाऊं, और अगर सो गया होगा बेचारा तो फिर सोने किस पर उठाऊं क्यों, फिर सुबह उठेगा तब इसको समझा दूंगा, अभी रात क्यों ख़राब करूं। तो एक बार और कान लगाया, तो अब जब कान लगाया अमीर माविया ने,
तो अब वही मेहमान जो अभी कुछ देर पहले गाना गा रहा था, अमीर माविया ने जब दोबारा कान लगाया तो अब वो कुरान की तिलावत कर रहा है। अमीर माविया कहते हैं अभी तो गाना गा रहा था, अब ये कुरान पढ़ रहा है और बड़ी अच्छी आवाज में कुरान पढ़ रहा है। अब अमीर माविया भागते हुए गए अपनी बीवी को उठाए, उठ। वो कह उठी हूं, क्या है उठा रहे हो, सुबह तुम्हारे मेहमान को नाश्ता बनाना है, उठा रहे हो, अरे उठ इधर। कहा क्या है, इधर तो उठ। उठी क्या है, चल कहाँ, अरे कमरे में क्यों ले आ रहे हो, जासूसी करना तो मना है ना, क्यों जा रहे हो, कान लगा। मैं क्यों लगाऊं कान, अरे लगा ना, आपने तो कहा कि जासूसी नहीं करना चाहिए, अबे कर लगा। देख ये तुम्हारा मेहमान बड़ा बहरूपिया है, अभी गाना गा रहा था इतना गंदा और अब कुरान पढ़ रहा है। घर में कमरे में लाए, कहने लगी अमीर माविया की बीवी, तुमने जासूसी क्यों की। आए, 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 आए। जवाब सुनो, अमीर माविया ने कहा मेरी बीवी, मैं उसको समझाने के लिए जा रहा था, तुम्हारे सोने का मैंने इंतजार किया, जब मैं उसको समझाने के लिए जा रहा था मैंने सोचा देख क्यों सोया तो नहीं है, कान लगा कर जब मैंने सुना तो वो कुरान पढ़ रहा था, मैंने सोचा कि तुम्हें भी सुना दूं, तुम्हें भी बता दूं। मेरी बीवी देखो एक आदमी हर हाल में एक सा नहीं होता है, बदलती रहती है उसकी कंडीशन है। बीवी ने कहा कुछ भी हो, जासूसी अगर मैंने की है तो जासूसी आपने भी की है, कान लगाकर मैंने अगर सुना है तो कान लगा करने की जुर्म आपने भी किया है। अमीर माविया का जवाब सुनो नौजवानों, अमीर माविया ने कहा मेरी बीवी एक गलती तुमने की, एक गलती मैंने भी की, जासूसी तुमने भी की, जासूसी मैंने भी की, एक हराम काम तुमने भी किया, एक हराम काम मैंने भी किया, लेकिन आई मेरी बीवी हम तुम दोनों बराबर नहीं है। बीवी ने कहा बिल्कुल बराबर है, इसलिए कि दोनों का जुर्म एक जैसा है तो फिर बराबर क्यों नहीं है। अमीर माविया ने कहा नहीं मेरी बीवी, हमारी और तुम्हारी जासूसी में फर्क यह है कि तुमने जब मुझे उठाया और मुझे कमरे तक ले गई हो और मुझे कान लगा कर सुनने को बोला, आए मेरी बीवी तुमने मुझे कान लगा कर सुनने को बोला तो तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई, तुमने मुझे मेरे भाई का ऐब दिखलाया, और मैंने जब तुमसे कान लगा कर कहा कि सुनो तो मैंने अपने भाई की खूबी बताई, मैंने अपने भाई की अच्छाई बताई। आए मेरी बीवी अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुराइयों पर अपने भाई की बुराइयों पर पर्दे डाला करो, उनके ऐब पर पर्दे डाला करो, और कोई खूबी अगर तुम्हारे भाई में हो तो उसको लोगों में बयान किया करो। आए मेरी बीवी हम में और तुम में फर्क इतना है कि तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई और मैंने तुम्हें अपने भाई की खूबी दिखलाई। ये है कितना बुरा लोग जाना करते थे जासूसी, यहां तो चैन नहीं मिलता जासूसी के बिना, सब्र नहीं आता। और सुनो मेरे भाइयों, दो चीजें आपके सामने रख दी मैंने, दो चीजें, किसी की बदगुमानी नहीं करो, वला तजस्सुसू और जासूसी ना करो,